वेलकम टू बीएससी फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिक क्लासेस। सो आज हम इसी चैप्टर के करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ डब्ल्यू इक्वल है एफ जेड, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कन्फॉर्मल मैपिंग ऑफ अ डोमेन डी, देन एफ जेड क्या होगा? एनालिटिक होगा डी में। ठीक है, इस वीडियो को देखने से पहले आप इसकी शॉर्ट नोट वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। ए ट्रांसलेशन टाइप आपको ये दे रखा है, जहाँ पे अल्फा और बीटा कॉन्स्टेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ये फॉर्म ही उसी की होती है। नेक्स्ट है द एंगल थ्रू विच कर्व ड्रॉ हो रहा है, द पॉइंट जेड नॉट इक्वल आई इज रोटेटेड अंडर द मैपिंग की, तो एंगल क्या हुआ? तो ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो आपकी न्यूमेरिकल वीडियो लेके आएंगे, तो उसमें इस तरीके से भी हो सकता है कि एक ही न्यूमेरिकल वीडियो में जो है इस तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हो, या फिर ऐसे भी हो सकते हैं कि एक न्यूमेरिकल वीडियो में एक चैप्टर की ही हो। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करेगा, आप उसे चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन बाय लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसमें सिंपल जो फॉर्म होती है आपकी ये वाली बाइलीनियर है। ठीक है, मतलब इस तरीके से फॉर्म नहीं होगी, ना तो ये ना तो ये, बस ये। ठीक है, नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑल बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अंडर द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी? नॉन एबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है द इनवर्स ऑफ द पॉइंट जेड विद रेस्पेक्ट टू द सर्कल जेड इक्वल आर, वो क्या होगी? जेड इक्वल आर, वो क्या होगी? आर स्क्वायर अपॉन जेड बार। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बाय द ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू इक्वल है, आपको ये दे रखा है द लीनियर एक्स इक्वल ज़ीरो, तो ट्रांसफॉर्म किस में होगा? ठीक है, न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल वीडियो में इसे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन आपको ये दे रखा है द इमेज ऑफ द लाइन वाई इक्वल ज़ीरो, तो वी क्या होगा? तो इसको भी हम न्यूमेरिकल वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिटिकल पॉइंट बताने हैं, तो ये हमने जो है किया था शॉर्ट नोट वीडियो में, तो आप इसको वहाँ से देखेंगे, ये आपको न्यूमेरिकल वीडियो में नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, इसको नीचे वाले को इक्वल रख देना है ज़ीरो के, वहाँ से वैल्यू निकाल देनी है, तो आपकी ये वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, इन्फिनिटी हो गई और साथ में। नेक्स्ट है बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बतानी है, जो कि आपके पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, तीन पॉइंट इधर रखे, तीन ये इधर रखे हैं, तो आपको बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बतानी है, तो न्यूमेरिकल वीडियो में से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है अंडर ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू आपको इधर रखा है लाइन ये मैप, तो किस पे होगी? तो इसको भी हम न्यूमेरिकल वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू इक्वल आपको ये इधर रखा है द इमेज ऑफ लाइन वाई इक्वल ये इधर रखी है, तो सर्कल बताना है कौन सी लाइन को फॉलो करेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल वीडियो में। होमोथेटिक ट्रांसफॉर्मेशन किसे बोलते हैं? होमोथेटिक ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि डब्ल्यू इक्वल होता है सी जेड के, जहाँ पे सी बड़ा होना चाहिए ज़ीरो से। नेक्स्ट है द पॉइंट जहाँ पे एफ डैश जेड ज़ीरो होता है या फिर इन्फिनिटी होता है, तो उन्हें बोलते हैं क्रिटिकल। ठीक है, नेक्स्ट है अगर एफ डैश जीरो के इक्वल नहीं होता है, तो उसे बोलते हैं ऑर्डिनरी पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ट्रांसफॉर्मेशन बतानी है कि नॉर्मलाइज कब होगी। नॉर्मलाइज होती है जब ए टी माइनस बी सी इक्वल होता है वन के। ठीक है, नेक्स्ट है द एंगल थ्रू विच कर्व जो है ये आपको दे रखा है रोटेट कर रहा है, तो न्यूमेरिकल वाली वीडियो में इसे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है कह रहा है इन द मोबिलस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है वैल्यू डब्ल्यू की, या तो वो कॉन्स्टेंट होती है या फिर मीनिंगलेस होती है। ठीक है, नेक्स्ट है बाय द ट्रांसफॉर्मेशन आपको ये दे रखा है, तो क्या फॉर्म होगा? तो इसे भी न्यूमेरिकल वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसमें इसी चैप्टर में ज़्यादा ही न्यूमेरिकल हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द मैपिंग आपको ये दे रखा है इमेज ऑफ लाइन पूछी है, तो ये भी न्यूमेरिकल वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है इफ डब्ल्यू इक्वल ये दे रखा है, तो आपको ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने शॉर्ट नोट में करा दिया है, तो ये न्यूमेरिकल वीडियो में नहीं होगा, तो आप एक बार शॉर्ट नोट वाली वीडियो इससे पहले देख लेंगे इसी चैप्टर की। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने आपको शॉर्ट नोट में भी बताया था कि ये किसको कैरी करेगा पॉइंट को जब जीरो वन इन्फिनिटी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है द इनवर्स ऑफ अ पॉइंट ए विद रेस्पेक्ट टू सर्कल ये दे रखा है, तो ये किसके होगा इनवर्स क्या होगा इसका? तो वो होता है सी प्लस आर स्क्वायर अपॉन ए का बार माइनस सी का बार। नेक्स्ट है कंसीडर द ट्रांसफॉर्मेशन आपको ये दे रखी है,
जो शॉर्ट नोट की वीडियो है वो मैंने स्टार्ट ही यहीं से की थी, तो वहाँ से टी वन इनवर्स भी मिल जाएगा आपको, उसी का ही यही क्वेश्चन डिस्कस हुआ है वहाँ पे, और टी टू इनवर्स भी और टी वन जेड भी, ये सारे क्वेश्चन मैंने उसमें कराए हैं शॉर्ट नोट वीडियो में, ठीक है। इसके सारे पार्ट ही इसी के हैं। नेक्स्ट 29, इन द केस ऑफ आइसोगोनल मैपिंग में क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल इज प्रेजेंट होते हैं लेकिन नेसेसरी सेंस ऑफ एंगल्स नहीं होंगे, ठीक है। एंगल जो होगा द मैपिंग डब्ल्यू इक्वल जेड बार वो क्या होती है, वो होती है आइसोगोनल कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट द पॉइंट विच कोइंसाइड विद देयर ट्रांसफॉर्मेशन अंडर अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसे क्या बोलते हैं, फिक्स पॉइंट भी बोलते हैं और इनवेरिएंट भी, तो दोनों आएंगे। नेक्स्ट द ट्रांसफॉर्मेशन एफ जो एफ जेड इज कन्फॉर्मल एट जेड इक्वल जेड नोट पे प्रोवाइड एफ जेड एनालिटिक होगा, कब, जब जेड इक्वल होगा जेड नोट के और एफ डैश जेड बराबर नहीं होगा जीरो के। नेक्स्ट द एंगल थ्रू विच कर्व ड्रोन फ्रॉम द पॉइंट, ये दे रखा है आपको, इज रोटेट हो रहा है मैपिंग डब्ल्यू इक्वल जेड स्क्वायर के, तो ये न्यूमेरिकल वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका द रिजल्टेंट ऑफ टू बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू, आपको ये दे रखा है, ट्रांसफॉर्म अ स्ट्रेट लाइन ऑफ जेड प्लेन इन टू द यूनिट सर्कल ऑफ डब्ल्यू प्लेन, कब होगा, जब ए जो मॉडुलस है वो इक्वल होगा सी मॉडुलस के, ठीक है। नेक्स्ट है क्रॉस रेशियो ऑफ फोर पॉइंट का जेड वन जेड, क्रॉस रेशियो ऑफ फोर पॉइंट का वो क्या होता है, वो होता है ये जेड वन माइनस जेड टू, जेड थ्री माइनस जेड फोर, जेड टू माइनस जेड थ्री और जेड फोर माइनस जेड वन, ठीक है। एवरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेस एज अ रिजल्टेंट ऑफ इवन नंबर ऑफ इन्वर्जन, ठीक है, ये शॉर्ट नोट में भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। नेक्स्ट है द सेट ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म करता है नॉन एबेलियन ग्रुप अंडर किस कंडीशन में, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है। नेक्स्ट है द क्रॉस रेशो जो है इज रियल होगा इफ फोर पॉइंट जो है लाइक करेंगे सर्कल पे या फिर स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है। नेक्स्ट है द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बताना है, ये आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है, देन इसे सॉल्व करना है, ये फॉर्मूला इसमें यूज करना है, ठीक है। लास्ट में हर वीडियो की तरह मैं आपको क्वेश्चंस के ऑप्शंस के आंसर दे देती हूँ ताकि आप जो रह गए हैं क्वेश्चन उन्हें ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम इन्हें न्यूमेरिकल वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ओके, थैंक यू।